नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र प्रसाद और इस समय आप मेरे चैनल राज फोटोटेक को देख रहे हैं। इस एपिसोड में हम लोग सीखेंगे कि कैसे वाइल्ड पेंट फिल्टर के बिना वाइल्ड पेंटिंग इफेक्ट को पैदा किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं एक एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि वाइल्ड पेंट फिल्टर के इस्तेमाल किए बगैर वाइल्ड पेंटिंग इफेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाए। वाइल्ड पेंटिंग फोटोशॉप के पुराने वर्जन में नहीं मिलता है। अगर आपके कंप्यूटर में वीडियो कार्ड नहीं है तो वाइल्ड पेंटिंग फिल्टर के रहते हुए भी आप उसे चला नहीं सकते। इस हालत में आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर वाइल्ड पेंटिंग इफेक्ट पा सकते हैं। पहले आप अपने इमेज को खोलिए। अब F7 दबाकर लेयर पैनल को खोल लें। इमेज की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए Ctrl+J को दाब दें। अब इमेज मेनू में एडजस्टमेंट को खोलें और शैडो हाईलाइट को चुन लें। इस इमेज में मैं शैडो एरिया को थोड़ा लाइट कर रहा हूं। अब एडजस्टमेंट मेनू में ब्राइटनेस और कंट्रास्ट एडजस्टमेंट को खोलें। मैं यहां अपने इमेज के कंट्रास्ट को बढ़ा रहा हूं। आप अपनी तस्वीर के अनुसार इस एडजस्टमेंट का उपयोग करें। Ctrl+J दाबकर एक बार फिर इमेज की डुप्लीकेट कॉपी बना लें। अब फिल्टर मेनू को खोलें, यहां अदर चुनें। इसमें हाई पास फिल्टर पर क्लिक कर दें। हाई पास के रेडियस में 3 टाइप कर दें और ओके बटन को दबा दें। अब लेयर पैनल में ओवरले ब्लेंडिंग मोड को चुनें। इससे आपकी इमेज शार्प हो जाएगी, जैसा कि आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लेयर मेनू को खोलें और मर्ज डाउन को क्लिक कर दें। अब फिर फिल्टर मेनू को खोलकर शार्पन फिल्टर में से अनशार्प मास्क फिल्टर को चुन लें। यहां अमाउंट लगभग 160 रखें, रेडियस को 3 रखें और थ्रेशहोल्ड को 0 रखकर ओके बटन को दाब दें। इमेज पहले से अधिक शार्प हो जाएगी और अब हम इस पर वाइल्ड पेंट इफेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। फिल्टर मेनू को खोलकर स्टाइलाइज पर क्लिक करें और डिफ्यूज फिल्टर को सेलेक्ट कर लें। डिफ्यूज फिल्टर में मोड में एनिसोट्रोपिक चुन लें और ओके बटन को दाब दें। इस फिल्टर को हम 4 से 5 बार उपयोग में लाकर वाइल्ड पेंटिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे, पर हर बार इमेज को 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे, जिससे कि हर बार इमेज पर डिफ्यूज फिल्टर का इफेक्ट डिफरेंट एंगल पर पड़े। अब इमेज मेनू को खोलकर इमेज रोटेशन पर क्लिक करें और 90 डिग्री क्लॉकवाइज को चुन लें। आप देख रहे हैं कि इमेज 90 डिग्री पर घूम गई है। अब हम इस पर फिर एक बार डिफ्यूज फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। फिल्टर मेन्यू को खोलकर डिफ्यूज पर क्लिक कर दें। यह फिल्टर इस्तेमाल करने में कुछ समय लेता है, इसलिए थोड़ा देर वेट करें जब तक कि यह पूरा अप्लाई नहीं हो जाता। अब इमेज मेनू को खोलकर एक बार रोटेट करें और डिफ्यूज फिल्टर का फिर प्रयोग करें। एक बार फिर इमेज रोटेट कर पहले की तरह डिफ्यूज फिल्टर का उपयोग करें। अब अंतिम बार रोटेट फिल्टर का उपयोग कर इमेज सीधा कर लें और फिर से डिफ्यूज फिल्टर का इस पर इस्तेमाल करें। अब तक हमने 4 बार डिफरेंट एंगल में इमेज पर डिफ्यूज फिल्टर का इस्तेमाल कर लिया है। अब इमेज को बड़ा कर ओरिजिनल इमेज से कंपेयर करके देखें वाइल्ड पेंटिंग इफेक्ट कैसा लग रहा है। अब फिल्टर मेनू को खोलें और नॉइज फिल्टर पर हिट करें और रिड्यूस नॉइज फिल्टर को चुन लें। रिड्यूस नॉइज पैनल में स्ट्रेंथ को 10 रखें और अन्य सभी स्लाइडर के स्ट्रेंथ को 0 रखते हुए ओके पर क्लिक कर दें। इससे इमेज स्मूथ लगने लगेगी।
अब एक बार फिर हम इमेज को शार्प करेंगे। फिल्टर मेनू में शार्पन फिल्टर के अंदर अनशार्प मास्क को क्लिक करके चुन लें। अमाउंट इस बार 100 रखें, रेडियस 2 और थ्रेशोल्ड 0 रखें और ओके पर क्लिक कर दें। अब कंट्रोल प्लस जे दबाकर लेयर की डुप्लीकेट बना लें और फिर से फिल्टर मेनू खोलें और अदर फिल्टर के अंदर हाई पास को सेलेक्ट कर लें। हाई पास के रेडियस को 2 रखें और ओके पर क्लिक कर दें। अब लेयर के ब्लेंड मोड को ओवरले ब्लेंड मोड में बदल दें। अब अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई बटन को दाबकर सभी लेयर की एक मर्ज्ड कॉपी बना लें। आपने सफलतापूर्वक वॉयल पेंटिंग इफेक्ट क्रिएट कर लिया है, लेकिन यदि आप अपने वॉयल पेंटिंग इफेक्ट को हल्का सा और पंच देना चाहते हैं तो फिल्टर मेनू में फिल्टर गैलरी को खोलें। यहां आर्टिस्टिक फिल्टर को खोलें और पेंट डॉब्स को सेलेक्ट कर लें। पेंट्स डॉब में ब्रश साइज 2 लें और शार्पनेस 8 और ब्रश टाइप में सिंपल लेकर ओके बटन दबा दें। अब अपने वॉयल पेंट को ओरिजिनल इमेज से कंपेयर करके देखें। आपकी इमेज तैयार हो चुकी है। आशा है आपको यह ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगले ट्यूटोरियल में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। आपका दिन मंगलमय हो। आशा है यह ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकॉन को दबा दें। इस अंक में इतना ही। अब नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गुड बाय फॉर नाउ।